नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा डक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका के बारे में, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि जब चोट लगती है तो आर्निका दी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ये पूरी बॉडी पर हमारे कैसे किस तरह से काम करती है, और जानेंगे इसकी डोसेस के बारे में। अगर हमें इसकी मेडिसिन यूज़ करनी है तो हम किस तरह इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भी आर्निका जो है चोट पे बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन हम ये नहीं जानते होंगे कि भी ये पूरी ऑल ओवर बॉडी पे किस तरह से काम करती है। तो जैसे कि ये चोट लग जाती है, मूंछ आ जाती है, या फिर अगर हमें मानसिक कोई तनाव होता है, हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, या पैरालिसिस हो जाता है। और ये सबसे अच्छी बात तो ये है इस मेडिसिन की, ये लेफ़्ट साइड बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे किसी की मेमोरी वीक हो गई हो, या जैसे फेस पे एक्ने हो गई हो, पिंपल्स हो गई हो, तो बहुत अच्छा काम करती है। तो ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैसे कि मान लीजिए, अगर इसके हम मेंटल सिम्टम के बारे में बात करें कि इसमें हमें मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, हम उदास हो जाते हैं, हम ऐसा लगता है कि बस हम मर जाएं, तो उस पर ये बहुत अच्छा काम करती है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, प्लांट किंगडम से बनी हुई मेडिसिन है ये, और पूरी ऑल ओवर बॉडी पे ये काम करती है। चाहे इसके मेंटल सिम्टम देखे जाए, चाहे इसके फिजिकल सिम्टम देखे जाए, ऑल ओवर पूरी बॉडी पे ये उसका बहुत अच्छा काम है। और ख़ास तौर से ये पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपकी ऑल ओवर बॉडी पे कहीं पर भी पेन हो, या कुछ भी हो, चोट लगी हो, तो इसका बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। हम बात करते हैं इसके हेड सिम्टम के बारे में। अगर हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई हो, जैसे कि ब्रेन हमारा अच्छे सही से वर्क ना कर रहा हो, क्योंकि जैसे हम गिर जाते हैं तो गिरने से, जैसे मान लीजिए कि अगर हम सर जैसे चल रहे हैं, चलते चलते सिर पे अगर हमारे ज़्यादा चोट लग जाती है, हमारे जो है ब्रेन के सिम्टम वो वर्क नहीं करते हैं, जैसे फंक्शंस काम नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है हम लंबे टाइम से परेशान होते हैं, चक्कर बहुत ज़्यादा आता है हमें। और कई बार तो जैसे फिट्स ये कहें कि जैसे दौरे भी कईयों को आते हैं, ये बेहोशी हो जाती है, पता नहीं चलता बिल्कुल भी, तो इसका ये मेन सिम्टम है। तो इसका बहुत अच्छा वर्क है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं किसी को भी, तो ही मेडिसिन बहुत यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव है ये। अब हम बात करते हैं आई सिम्टम के बारे में। जैसे कि हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, आँखों के मतलब यहाँ इस तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ट्रैवलिंग करने में हमें प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं, आँखें बंद हो जाती हैं, हम ऐसा लगता है कि बस अभी हम गिर गए, हमें जैसे नज़दीक का कुछ समझ नहीं आता, नज़दीक की हमारी आई साइट जो है वीक होने लग जाती है, मसल में पेन बहुत ज़्यादा होती है, मसल्स में ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी और ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनल सिम्टम के बारे में। जैसे कि खट्टी डकार आना, स्मेल आना, या पेट फूला फूला रहना, दर्द बहुत ज़्यादा होना, गैस चारों तरफ बनी रहती है, खाने को भी कुछ नहीं मन करता है, और जैसे मोशन भी सही नहीं होता, चिपचिपासा होता है, और हमारा यूट्रस भी जो है फैटी बताता है। अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो आप ज़रूर इस मेडिसिन को यूज़ कीजिए। थक बहुत ज़्यादा जाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की हमें प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, तो अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो आप ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ कीजिए। अब हम बात करते हैं यूरिनरी सिम्टम की। जैसे कि अगर हम यूरिन करने जा रहे हैं तो रेडनेस जो है उसमें आ रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जैसे नॉर्मली डिलीवरी का पेन होता है उस तरह की पेन होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हमारे ब्रेस्ट में दर्द हो रही है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या से हैं, जैसे कि अगर खांसी आ रही है, दिन में तो सब सही रहता है, रात जैसे जैसे होती है तो खांसी हमारी बढ़ जाती है, चलने में दिक्कत होती है, या कईयों को निमोनिया की प्रॉब्लम होती है, पूरी जो है जकड़न हो जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों में ये चीज़ बहुत देखी गई है, खांसते खांसते ब्लड आ जाता है, ये येलोइश कलर का कुछ निकलता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं हार्ट सिम्टम के बारे में। जैसे कि हमें पेन बहुत ज़्यादा होता है हार्ट में पानी भर आना, या फैटी हो जाना, हार्ट का बढ़ जाना, साइज़ बढ़ जाना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
जैसे कि अगर हमारे हाथों और पैरों में के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, गठिया में बहुत अच्छा काम करती है, जैसे दर्द हो, सूजन हो, रेडनेस हो, हाथों पैरों में दर्द हो, चलने में दिक्कत हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं फीवर में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि एकदम से जो है फीवर आ जाना, बैठे बैठे बुखार आ जाना, तो हाथों पैरों में एकदम से जो है ठंडे पड़ जाना, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्किन पर भी अच्छा काम करती है, जैसे कि अगर कईयों की स्किन नीली नीली पड़ जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, तो पिंपल्स के बाद जलन होती है, जैसे कईयों की आदत होती है कि पिंपल्स हो और फोड़ने की कोशिश करते हैं तो निशान बन जाता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के यूज़ के बारे में कि हम इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करें। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम लोअर पोटेंसी से हायर पोटेंसी पर जाएंगे तो इस मेडिसिन का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। तो अगर हम 30 पोटेंसी की बात करें तो 30 पोटेंसी 2-2 ड्रॉप्स दिन में 4 बार ही लीजिए डायरेक्टली अपने टंग पे। और अगर जैसे कि मान लीजिए किसी को चोट लग गई हो हाथ पे या पैर पे कहीं पर भी, और कट लग गया हो, बहुत ज़्यादा जो है ब्लड आ रहा हो, तो जो है ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और जैसे कि कई कहते हैं कि भी हम इस पर क्या अप्लाई करें, तो इसकी क्यू की पोटेंसी भी आती है, तो हमें इसकी क्यू की पोटेंसी अप्लाई नहीं करनी है, तो इस चोट के लिए बहुत अच्छी ये मेडिसिन है। और हम बात करें 200 पोटेंसी के बारे में, तो हमने 2-2 ड्रॉप्स हफ्ते में मतलब रोज़ लेनी है, हमने एक टाइम बना लीजिए मॉर्निंग में, हर रोज़ मॉर्निंग में लेना है। अब हम बात करते हैं 1 mm की पोटेंसी के बारे में, तो आप 1 mm की पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। वो कब यूज़ करनी है, जब आपको ये मेंटल सिम्टम्स दिखें, तो आपने हर हफ्ते मतलब संडे टू संडे इस मेडिसिन को रिपीट करना है। तो जैसे कि कई लोग कहते हैं कि अगर हम आर्निका क्यू में भी आती है, तो आर्निका क्यू हम यूज़ कर सकते हैं, आर्निका क्यू यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर नील पड़ गया हो, गहरी चोट पे हमने इसको यूज़ नहीं करना, जैसे कट हो गया हो, ब्लड निकल रहा हो, तब इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे निशान हो, चोट का निशान हो, पुराना निशान हो, तो उसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।